लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की बाकी बची 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद समेत तमाम दलों के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बाकी बची सीटों पर चुनाव होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को कुल 2105 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जांच और नाम वापस लेने के बाद अब 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। 2 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से चला चुनाव अब 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आखिरी चरण में कई वीवीआईपी सीटें हैं जहां सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको आखिरी चरण की टॉप 5 हॉट सीट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं। वो वाराणसी बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में है। उनके सामने चिर परिचित उम्मीदवार है कांग्रेस के अजय राय। हालांकि इस बार एक बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वाराणसी में पीएम मोदी चुनाव हार सकते हैं। हालांकि ये वर्तमान परिस्थितियों में एक असंभव सी कल्पना लगती है। वाराणसी से अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए मोदी भावुक भी हो जाते हैं। लिहाजा वाराणसी सीट की आखिरी चरण और फिर परिणामों में खूब चर्चा होने जा रही है। बात अब हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट। बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कंगना के सामने पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं। टिकट की घोषणा के बाद से ही कंगना रनौत और मंडी सीट काफी चर्चा में बनी हुई है। पीएम मोदी ने कंगना के प्रचार के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित किया था। यहाँ भी एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है, जहाँ एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस है तो वही उनके सामने पूर्व सीएम के बेटे और वर्तमान राज्य सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। मंडी में आखिरी चरण में ही मतदान होना है, लिहाजा सातवें चरण में मंडी सीट पर दिलचस्पी बनी रहेगी। काराकाट सीट। बिहार के डेहरी ऑन सोन इलाके में काराकाट लोकसभा सीट की चर्चा इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से हो रही है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया और निर्दलीय ही काराकाट से चुनावी मैदान में उतर गए। पवन सिंह के सामने पूर्व केंद्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल पवन सिंह ने काराकाट में बना लिया है, ऐसे में कुशवाहा की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। काराकाट पर नजरें न सिर्फ 1 जून को रहेंगी, बल्कि 4 जून को यानी नतीजे के दिन भी काराकाट में कौन जीता और कौन हारा, इससे काफी कुछ तय होगा। गाजीपुर से यूपी के बड़े माफिया और नेता के तौर पर मुख्तार अंसारी की पहचान थी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा और सम्मान दोनों था, लेकिन योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर से चुनावी मैदान में निर्वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सीएम योगी के तंज के जवाब में कहते हैं कि 4 जून को गाजीपुर में जनता हिसाब करेगी। माफिया मुख्तार के बाद गाजीपुर की जनता का मिजाज क्या है, इसका अंदाजा 4 जून को ही लग पाएगा। आजमगढ़। पूर्वांचल का आजमगढ़ भी सातवें यानी आखिरी चरण में मतदान करेगा। यह सीट भी फंसी हुई है और बेहद रोचक भी है। यहाँ बीजेपी की तरफ से निर्वर्तमान सांसद भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने हैं यादव परिवार के चश्मोचिराग धर्मेंद्र यादव। पिछली बार लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर सनसनी मचा दी थी। हालांकि सपा का वोट काटने वाले बसपा के गुड्डू जमाली इस बार अखिलेश का दामन थाम चुके हैं। वहीं निरहुआ का दावा है कि कम से कम अपने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, जनता उसमें उसका इनाम जरूर देगी। लिहाजा आजमगढ़ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है और यहाँ के परिणामों पर पूरे देश की नजरें होंगी। 7 चरणों तक चला ये लोकसभा चुनाव बेहद लंबा और थका देने वाला रहा।
भीषण गर्मी से नेता और जनता दोनों परेशान रहे, लेकिन आखिरी चरण के मतदान और 4 जून को नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में आखिरी चरण की इन वीवीआईपी सीटों पर आपका क्या सोचना है और किसको मिलेगी जी, किसकी होगी हार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें भेजें। और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और चुनावों से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल। नमस्कार।